अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफियाज को खास में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चोको चिप कुकीज़, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और कॉफ़ी लवर्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये, और बाहर बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। तो आज इसको हम घर में बनाना सिखाएंगे आपको, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए ले लिया है वाइट शुगर है 4 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 6 टेबल स्पून, और ये जो है केक फ्लावर जो है ये हमने 8 टेबल स्पून रखा हुआ है, और ये 1/2 कप बटर, अनसाल्टेड बटर 14 टेबल स्पून, ये जो है ऑल पर्पज़ फ्लावर और 1 एग, और ये ऑल पर्पज़ फ्लावर ये 14 टेबल स्पून है, ये यानी कि 1 कप में 16 टेबल स्पून होता है, तो आप 2 टेबल स्पून कम रखें, 14 टेबल स्पून ले लें। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा इसमें, और 1 पिंच सॉल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि 1/4 टीस्पून आप ले सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो अब हमने ले लिया है एक पॉट, इसमें हम डालेंगे बटर। सबसे पहले ये बटर सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। पहले बीट करेंगे थोड़ा सा लो स्पीड पे। अब हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर, अब इसमें डाल देंगे वाइट शुगर, वन पिंच सॉल्ट, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम लोग ये केक फ्लावर को मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब बारी है चोको चिप की। 2 कप चोको चिप, उसको फोल्ड करेंगे। ओवन को हमने प्री हीट पे लगा दिया है, अब ये तैयार है बेक करने के लिए। इस पे हम लगाएंगे बटर पेपर। और ये कुकीज़ थोड़ी बड़ी बनाई जाती है, लेकिन हमने ले लिया है इस साइज़ का। एक मेरे पास स्पून है, उससे हमने लिया है ताकि हमको पता हो साइज़ का। ये हम लेंगे ऐसे, ये कुकीज़ बड़ी बनाई जाती है लेकिन ये साइज़ हम बना रहे हैं। बॉल बनाना है, बॉल बना करके रखना है। इस तरीके से बेकिंग ट्रे में हमने थोड़ा दूर दूर रखा है, और इसको अब हमने ओवन प्री हीट कर लिया है। 200 सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तो देखें ये हो गई है तकरीबन। अब इसको हम निकालेंगे और बाहर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखें तकरीबन बन गई है ये, अब इस ठंडी होगी, फिर इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें ये परफेक्ट चोको चिप्स कुकीज़ बन करके तैयार हो गई है, और कॉफ़ी के साथ। तो इसको तोड़ते हैं और देखते हैं कैसी बनी। देखें कितनी ज़बरदस्ती बनी है। आप लोग इसको कॉफ़ी के साथ इंजॉय करें, और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज को खाओ में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ।
अपना ख्याल रखें। थैंक यू।